स्टूडेंट मैं शैलेश सर आज फिर आपके सामने मेटल एंड नॉन मेटल में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पर उसे दो वर्गों में बांटा गया है उसी पर हम आज फिर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेटल एंड नॉन मेटल की कोई डिफिनीशन नहीं होती। जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए उन्हें हम उनके गुणों के आधार पर दो वर्गों में हम डिवाइड कर दिए, जिसमें एक वर्ग जिसे हम मेटल कहते हैं और दूसरे को नॉन मेटल कहते हैं। उन गुणों के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहला गुण था मिलिबिलिटी, यानी कि जिसमें है ना हैमर से हैमरिंग किया जाए और वह ब्रिटल ना हो, यानी ब्रोकन ना हो, टूटे नहीं, तो उसे मिलिबिलिटी कहते हैं। तो ये चीजें जिस मेटल में जिस एलिमेंट में पाई जाती है उसे मेटल कहा जाता है। हैमर से पीट पीट कर इसे पतले पतले चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया था कि ब्लैक स्मिथ आपको बना लेते हैं है ना, कुदाल बनाते हैं, फावड़ा बनाते हैं। दूसरा हमने बताया था एक लस्टर जिसे मेटेलिक साइन भी कहते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग द नेचुरल साइन ऑन इट सरफेस इज नोन एज द मेटेलिक साइन, इसी को हम प्रॉपर्टी को है ना लस्टर भी कहते हैं। तो जिसमें यह मेटेलिक साइन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। लेकिन उसमें हमने एक बताया था कि अपवाद में एक आयोडीन है जो कि नॉन मेटल है, उस पर भी मेटेलिक साइन की तरह ही साइन पाई जाती है। तीसरा हमने बताया था सोनोरस, यानी कि जिसमें पीटने पर यदि बीट किया जाए तो उसमें रिंगिंग साउंड उत्पन्न हो तो उसे हम मेटल कहते हैं। और उस दिन है ना इस प्रॉपर्टी को हमने उस दिन बताया था कि इसे सोनोरस कहते हैं। चौथा हमने बताया था कंडक्टिविटी, यानी कि वे एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकते हैं उसे हम मेटल कहते हैं। लेकिन वहां भी हमने एक बताया था कि अपवाद के रूप में ग्रेफाइट जो कार्बन का एक रूप होता है ना वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को नहीं करता है। ठीक है, अब यहां हम आगे इसे बढ़ाएंगे। जैसे हार्डनेस, एक प्रॉपर्टी है हार्डनेस, दोज एलिमेंट्स विच आर हार्ड है ना नेचुरली आर रेफर्ड विच हार्ड नेचुरली रेफर्ड एज मेटल, उन्हें हम मेटल की तरह रेफर करते हैं। बट फ्यू आर है ना वेरी सॉफ्ट कैन बी कट विथ ए शार्प नाइफ। एग्जाम्पल है जैसे लिथियम है ना सोडियम है, पोटेशियम है, इन्हें हम एक शार्प नाइफ की मदद से काट सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं। जनरली जो मेटल होते हैं वे हार्ड होते हैं, ठीक है ना। उस तरफ उसके बाद एक दूसरी आती है डक्टाइल, ये भी एक प्रॉपर्टी है।
ये कहता है कि हिंदी में इसे तन्यता कहते हैं, यानी कि जिसे खींचकर तार बनाया जा सके, ठीक है ना। दोज एलिमेंट्स विच कैन ड्रॉन इंटू ए थीन वायर आर टर्म्ड एज मेटल, यानी जिन्हें पतले तार में खींचा जा सके उसे हम मेटल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे एल्यूमिनियम है ना, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये बहुत सारे हैं जिन्हें हम पतले तार में खींच सकते हैं। आज देखें तो इलेक्ट्रिसिटी वर्क में जितनी भी चीजें हैं, ट्रांसमिशन लाइन में या घरों में आपके हाउस वायरिंग में है, जो तार यूज करते हैं वे पतले पतले तार होते हैं, फाइन वायर होते हैं, ठीक है। ये सभी मेटल्स के बने होते हैं, या एल्युमिनियम के होगा, कॉपर का होगा, आयरन का होगा, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड के फाइन वायर और उसे पतली परत है ना, फाइन सीट में बदलकर मेनी टाइप्स ऑफ द ऑर्नामेंट्स आर में बनाए जाते हैं। अब देखें तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। फिजिकल एग्जिस्टेंस में हम आए तो मेटल आर जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, जितने मेटल है वे सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मेटल जो है प्रायः जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है इसका भी, अपवाद इसका भी है, मरकरी, मरकरी इज ए मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी एक मेटल है लेकिन वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जितने भी मेटल हैं वे सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब आते हैं डेंसिटी देखें, ठीक है, एक लास्ट देखें डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सबसे देखें तो हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो ऑस्मियम नाम का एक मेटल होता है उसकी होती है, उससे थोड़ा सा लो डेंसिटी में आपको आए तो इरिडियम होता है, ठीक है। जैसे आयरन की डेंसिटी जो हम कॉमनली कॉमन मेटल यूज करते हैं उसमें आयरन की डेंसिटी 7.86 के आसपास होती है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, कौन से मेटल की, तो ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम, ठीक है। लोवेस्ट डेंसिटी देखे हैं तो सबसे लोवेस्ट डेंसिटी किस मेटल की होती है, तो लिथियम की होती है ना, लोवेस्ट डेंसिटी, ठीक है ना। सबसे लोवेस्ट डेंसिटी जो होती है वह आपकी लिथियम की होती है, उसके बाद सीजियम की होती है, ठीक है ना। ये हो गया डेंसिटी के रूप में। अब हम देखें मेल्टिंग पॉइंट और
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है ना, एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होती है ना। डी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई, अधिक होती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, पाम टेम्परेचर पर वे पिघल जाते हैं है ना। जैसे एग्जाम्पल सीजियम है ना, हैविंग लोवेस्ट है ना मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह आप देखें तो टंगस्टन हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन ये भी आपका मेटल है, हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखें ये कुछ गुण हैं जिनके आधार पर हम मेटल्स और जितने एलिमेंट पाए जाते हैं उन सारे एलिमेंट को दो वर्गों में हमने बांटा है। ठीक है, अब नॉन मेटल यदि आपसे कहा जाए कि विच आर द नॉन मेटल्स, तो ठीक जितनी प्रॉपर्टी आपने अभी तक पढ़ा ठीक इसकी जो रिवर्स प्रॉपर्टी है वह रिवर्स प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल की। यानी ये जिसमें रिवर्स प्रॉपर्टी पाई जाए यानी कि जिसके उलट इस प्रॉपर्टी हो वह क्या है, नॉन मेटल है। जैसे हमने कहा कि मिलिएबल यानी जिसमें है ना पीट कर एक सीट बनाया जा सके पतला वो मेटल है, और जो पीटने पर ब्रिटल हो जाए वह जो है नॉन मेटल। तो आते हैं देखते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला दे आर नॉट मिलिएबल, ये मिलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, मिलिएबल है ना, दे आर नॉट मिलिएबल ऑन हैमरिंग है ना, दे गेट ब्रिटल यानी ये चूर चूर हो जाते हैं। दूसरा लस्टर हमने कहा था है ना, लस्टर है ना, हमने आपको कहा था है ना, दे है नो दे है नो है ना पिकुलियर साइन ऑन देयर सरफेस। लेकिन फिर भी अपवाद एग्जाम्पल है ना, एक्सेप्शन है, क्या है, आयोडीन है ना, है ना साइन लाइक मेटल ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तीसरा क्या था,
है ना, सोनोरस, तो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द रिंगिंग साउंड, है ना, सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बीटिंग, पीटने पर ये रिंगिंग साउंड नहीं उत्पन्न करते, ठीक है। उसके बाद था कंडक्टिविटी, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी आपका अपवाद है, एक्सेप्शन, ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन जो कि नॉन मेटल है, कंडक्ट है ना, इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंडक्टिविटी। फिर से आपको डक्टाइल, ठीक है, अगला देखते हैं, डक्टाइल दे कैन नॉट बी ड्रॉन इंटू थीन वायर, यानी ये डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। फिर से इसका है फिजिकल एग्जिस्टेंस देखें, फिजिकल एग्जिस्टेंस दे आर फाउंड इन सॉलिड एंड आउट ऑफ ऑल नॉन मेटल, नॉन मेटल है ना, सम ऑफ देम फाउंड इन सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड स्टेट में जैसे आपका हो गया कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, ये आपको सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, है ना, सम ऑफ देम फाउंड इन गैसियस स्टेट जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन इटीसी एंड वन ऑफ देम है ना फाउंड इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट है ना, कौन सा पाया जाता है, ब्रोमीन, इसे क्या कहते हैं, ब्रोमीन, या ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन है, ठीक है। अब देखें मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। डेंसिटी की बात करें है ना, डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स आर वेरी लो, बहुत कम होता है, ठीक है। अब आइए आपको हम कुछ मेटल और नॉन मेटल के हम नाम बताते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि सर हम कुछ मेटल्स के नाम बता दें, हम आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम बताते हैं, ठीक है। तो देखें, अब देखें यहां से आपको शुरू करते हैं, लिथियम, सोडियम जो कॉमन आप जानते हैं, पोटेशियम, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, ठीक है। फिर से देखें आपको कॉपर, फिर से आए आपको कॉपर के बाद आए देखें तो क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट, निकेल है ना, लेड, ठीक है। अब हो गया सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये कुछ कॉमन आपको कॉमन ये जो है ना मेटल्स है, ये कॉमन नेम है। उसी तरह नॉन मेटल में जैसे आपको हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी देखें तो ये सब के सब आपको किस में पाए जाते हैं है ना, गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसियस स्टेट। फिर से उसको आप आगे देखें तो आपका हो गया बोरन, कार्बन, कार्बन के बाद आपका सल्फर है ना, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सिलिकन, आयोडीन, ये सभी आपको किस में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। उसी तरह आप देखें तो ये कार्बन का ही रूप है ग्रेफाइट, इसलिए ग्रेफाइट हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट कार्बन का रूप होता है, ठीक है। तो अब ये देखें, एक होता है ब्रोमीन, ये आपको लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसमें आपको हम दे देते हैं मर, ये सभी जितने आपने देखा ये सब के सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक मरकरी होता है जिसे पहले बता चुके हैं, मरकरी है ना, जो होता है यह आपको लिक्विड स्टेट में होता है,
यहाँ एक आपको हम नोट देते हैं, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल है ना, मेटल कौन कौन से होते हैं। तो मेटल्स जो होता है वह है आपका सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, और प्लैटिनम, ये ऑर्नामेंटल मेटल का है, और एक प्रीसियस मेटल भी होते हैं, ठीक है ना। इसी में इसी कार्बन का जो एक रूप पाया जाता है, या आपको मैं यहां पर दिखा देते हैं, कार्बन के दो होते हैं, एक डायमंड होता है, डायमंड, और एक ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। यह जो है कंडक्ट करता है, जिसे आपने देख चुका है, और यह प्रकृति का सबसे कठोर होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है, और यह प्रीसियस होता है, जिसे ऑर्नामेंटल के रूप में भी या कटिंग टूल्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, डायमंड का उपयोग, ठीक है। अब यहां हम इसको दे देते हैं, डायमंड का उपयोग जो है ना ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट्स में किया जाता है, और कटिंग टूल्स के रूप में किया जाता है, ठीक है। यह जो होता है हार्डेस्ट ऑफ नेचर, हार्डेस्ट ऑफ नेचर, यह प्रकृति का सबसे कठोर होता है, ठीक है तो नॉन मेटल प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, और ऑर्नामेंट्स में यूज किए जाते हैं, कटिंग टूल्स के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको हम इसका भी दे देते हैं, ग्रेफाइट हल्का सॉफ्ट होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट है ना लीव द ब्लैक साइन, लीव द ब्लैक साइन ऑन सरफेस, ठीक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में, यू भी देखें इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में इसलिए यूज किए जाते हैं, बैटरी में आप देखें, बैटरी को आप जो सेल यूज करते हैं उसको फोड़ कर देखें तो बीच में एक काले रंग का रॉड निकलेगा, वह ग्रेफाइट है, क्योंकि वह जो है कंडक्टिंग का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वह इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है ना। पेंसिल जो आप पेंसिल यूज करते हैं लिखने में, पेंसिल बनाने में होता है, पेंसिल बनाने में होता है ना, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। फिर से इसका जो है लुब्रिकेंट्स बनाने में होता है, लुब्रिकेंट्स बनाने में होता है, ठीक है। और ये जो है ना डायमंड को यदि सरफेस पर खींचा जाए तो इस प्रोड्यूस द स्क्रेच ऑन द सरफेस है ना, प्रोड्यूस स्क्रेच है ना ऑन द सरफेस, ठीक है। तो आपने यहां देखा कि ऑर्नामेंट्स मेटल ये है, और डायमंड कार्बन का दो रूप होता है, तो जिसका एक डायमंड होता है ऑर्नामेंट्स में यूज की जाती है, कटिंग टूल्स के रूप में किया था, यह प्रकृति का हार्डेस्ट होता है और स्क्रेच उत्पन्न कर देता है, जबकि ग्रेफाइट का हमने आपको दिया। इन द नेक्स्ट सेशन आई गिव यू ना विल गिव यू द यूज ऑफ द मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स का जो यूज होता है उसके बारे में बताएंगे, रिएक्टिविटी ऑफ द सम मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स के बारे में बताएंगे, है ना, ठीक है।